और मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए सफलता के लिए सबसे पहली चीज है वो हम भगवान कृष्ण को अपना मोटिवेटर बना सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा था कि यदि आपको सफल होना है, दुनिया का राजा बनना है या सफलता के आसमान को छूना है, तो सबसे पहले अपनी राधा और अपनी बांसुरी को त्यागना पड़ेगा। मतलब आपको अपना कंफर्टेबल जोन को त्याग करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। किताब को हाथ में लेना एक बहुत लास्ट का स्टेज है, पहले उसके लिए वो ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा जिसके लिए आपको सफलता मिल सकती है। और जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप डिलीजेंस कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की तरह अपनी 10 अंगुलियां अपनी बांसुरी पर लगा दीजिए, जिसको मेहनत कहते हैं। सफलता ऑटोमेटिक चलकर आएगी, सफलता ऑटोमेटिक चलकर आएगी। आपको सफलता के पास नहीं जाना है, आपको सक्सेस के पास नहीं जाना है, सक्सेस आपके पास आएगी यदि आप अपने कर्म की जो 10 अंगुलियां अपनी बांसुरी पे लगा देते हैं। तो फिर जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो उसी बांसुरी को आप अपना चक्र बना देंगे और उस चक्र से अपना विध्वंस करेंगे, उस पेपर का, उसके गुरूर का नाश कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। विजय आपके चरणों में है, विजय आपका दरवाजा खटखटाएगी। जैसे एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि ये पेड़ से जितनी भी पत्तियां गिरे उन पत्तियों को अपने हाथ में ले लेना, जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए। चाहता तो चंद्रगुप्त चीट कर सकता था अपने गुरु को, मगर उन्होंने नहीं किया। उनको लॉजिक तो समझ में नहीं आया कि इनका लॉजिक क्या है, ये क्यों चाहते कि पत्तियां ऐसे हाथ में लेना है, इसका लॉजिक क्या है। इसके पीछे लॉजिक था कि भाई मैं तेरा वो ग्राउंड तैयार करना चाहता हूँ कि ताकि आगे जाकर तू तो एक अच्छा योद्धा बन सके, एक वॉरियर बन सके। तो हाथ में किताब लेना एक बाद की बात है, पहले अपने माइंड में वो विजय का ग्राउंड तैयार करिए ताकि विजय आपको खुद विजयश्री आपको लेने के लिए आए, आप विजयश्री के पास ना जाएं। एक योद्धा बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए अपने मेंटल वाइब्स को चेंज करना पड़ेगा, यही श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण के पास बहुत कुछ था लेकिन उन्होंने अपने कंफर्टेबल जोन को त्याग किया। श्री कृष्ण को लोग भगवान मानते हैं, वो उनसे बड़ा मोटिवेटर दुनिया में ना तो आज तक हुआ है ना आज के बाद कभी होगा। उनसे बड़ा मोटिवेटर कोई हुआ ही नहीं है। उनको यदि जिंदगी में अपन असिमिलेट करें, उनके ज्ञान को अपन असिमुलेट करें, तो विजय श्री हमारे पास 100% आएगी। त्याग करो अपने कंफर्टेबल जोन का और सफलता के 3 डायमंड रूल्स को फॉलो करो, सफलता आपके पास आएगी। खुद का कंपटीशन खुद से करना है, पहला रूल। पहला डायमंड रूल है खुद का कंपटीशन खुद से करना है, किसी से नहीं करना है। सेकेंड रूल, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दो। सेकेंड रूल है, ये डायमंड रूल है, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दो। और थर्ड रूल है, यदि बाई चांस वो रूल आप ना तोड़ पाए तो खुद को पनिशमेंट दीजिए किसी भी वे में, कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे व्हाट्सएप नहीं देखना है, मुझे एक्स वाई जेड से चैट नहीं करनी है, या जो भी आपकी हॉबी है, जो भी आपको आराम पहुंचाता है, उस चीज को आप गिव अप करिए। विजय प्राप्त करने के लिए पहले अंदर से अपने आप को चेंज करना पड़ता है। किताब में हाथ में लेना या ज्ञान को भी उस संघर्ष के मोड़ से लेके जाइए जो सफलता को जाके टच करेगा। उस स्ट्रगल को उतना रूप दीजिए, स्ट्रगल पर आप कॉन्सेंट्रेट करना है, सक्सेस पर नहीं। स्ट्रगल को जितना आप पावरफुल पॉइंट देंगे, सक्सेस तो ऑटोमेटिक आनी ही आनी है, वो तो उसकी गुलाम है, उसको तो आना ही आना है। हम किताब हाथ में ले लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा इतिश्री हो गया। पहले स्ट्रगल करने के मोड पर आइए कि मैं कितना स्ट्रगल कर सकता हूँ। मेंटल वाइफ साहब का शानदार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पहले कहा था कि बाज जब भी बारिश होती है तो क्या करता है, बादल के ऊपर उड़ता है, जो प्रकृति के खिलाफ है। वो बादल को चैलेंज कर देता है। क्यों? इसलिए चैलेंज कर देता है कि वो वहां से उड़ान शुरू करता है जहां पर बाकी पक्षी अपनी उड़ान को खत्म कर देते हैं। ये सफलता का सबसे डायमंड रूल है, 7-स्टार रूल है, कि जहां पर बाकी पक्षी अपनी उड़ान को बंद कर दे वहां से आप अपनी उड़ान शुरू कर रहे हैं, तो आप नेचुरल वो गैप तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। बादल जो कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मतलब मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो वो कहता है मैं तेरे से भी सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि उसका नाम ईगल है, बाज है, वो आसमान का राजा है अपने गट्स के कारण। शेर राजा है अपने गट्स के कारण, कोई रास्ते लगकर नहीं गया था आप में और मुझसे में, अपने गट्स के कारण राजा है। उसने एक बार ठान लिया कि मुझे इसका शिकार करना है, तो वो कैसा भी हो, असंभव हो, उसका शिकार करके छोड़ता है। तो दो ही चीज होती है, या तो मान लो हार को, स्वीकार कर लो, या ठान लो जीत को। दो ही जीत के मोटिवेटिव है।